राजधानी पटना में एक लापता बच्चे का शव स्कूल के पास ही एक नाले से बरामद किया गया, जिससे बच्चों के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं लापता छात्र का शव मिलने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। वह स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा भड़का और स्कूल में ही आक्रोशित लोगों ने आग लगा दी। हालांकि दमकल की टीम को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया। दीघा के पॉल्सन रोड की ये घटना है। पटना के दीघा इलाके में टीनी टॉन स्कूल पर आक्रोशित लोगों ने धावा बोल दिया। एक लापता बच्चे का शव बरामद होने के बाद लोग गुस्साए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पॉल्सन निवासी शैलेंद्र राय का मासूम बेटा आयुष कुमार गुरुवार को स्कूल गया था। क्लास खत्म होने के बाद वह स्कूल में ही ट्यूशन भी लेता था। गुरुवार को भी सब कुछ रोज की तरह ही चला, लेकिन ट्यूशन के बाद भी बच्चा स्कूल से घर नहीं लौटा तो परिजन परेशान होकर उसे ढूंढने लगे और जब शाम को बच्चा स्कूल से घर नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। वही लोग तब सन रह गए जब काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव स्कूल के पास ही एक नाले से बरामद किया गया। आधी रात के बाद बच्चे का शव बरामद हुआ, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन ने स्कूल संचालक पर हत्या कर शव को छुपाने का आरोप लगाया है। वह इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। शुक्रवार की सुबह लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। स्कूल पर भी लोगों का गुस्सा फूटा और गुस्साए लोगों ने स्कूल में आग लगा दी। वह इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम व अग्निशमन विभाग की टीम फौरन मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ी बुलाई गई और आग पर काबू पाया गया। पुलिस की टीम अब मौके पर मौजूद है और स्थिति को सामान्य किया गया है। हत्या की वजह का खुलासा अभी नहीं हुआ है। हम अपील करते हैं कि देखिए, कभी भी कुछ होता है तो अगर आप जो है कानून व्यवस्था को अगर मदद नहीं करेंगे तो ये आप ही के लिए घातक होगा और हमारे लिए क्या है कि हम एविडेंसेस कलेक्ट करने में हमें दिक्कत होगी। उससे जो है जेल में या जो भी न्याय आपको दिलाना उचित है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपील है कि कृपया शांति से जो है प्रशासन को मदद करें।